नमस्कार दोस्तों, कुकिंग विद ममता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस गर्मी में मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैंने खूब सारे फलों के साथ बनाया है। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए आपको कोई कुकिंग नहीं करनी है। बस जब मन करे कुछ ठंडा खाने का, या फिर कोई गेस्ट आ रहे हैं, या आपका कुछ भी बनाने का मन नहीं है, तब आप इस फटाफट से बनने वाली रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो देर नहीं करेंगे, चलिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर फलों को छील कर कट कर लिया है। यहाँ पर हमने अंगूर को छोटे छोटे पीसेस में गोलाई में कट कर लिया है, सेब को छील कर कट कर लिया है, संतरा को भी हमने उनकी फांकों को छील कर उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस तरीके से आपको जो भी फल पसंद है आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कीवी, केला, अंगूर, संतरा, अनार और सेब ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सारे फलों को हमने अच्छे से एक साइज में कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें मैं ये दूध की फ्रेश मलाई ले रही हूँ। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए जो हम फ्रिज में मलाई रखते हैं, वो एक से दो दिन वाली मलाई हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। और फिर मैं अब इसमें यहाँ पर शुगर पाउडर डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैंने ये केवड़ा जल लिया है, इन केवड़ा जल को भी मैं इसमें डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी। आप खास ख्याल रखिएगा कि आपकी मलाई जो है ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो फिर हम इसमें हमने जो फलों को कट किया था उन फलों को मैं इसमें डाल दूँगी। सभी फल को मैं इसमें नहीं डालूँगी, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पर बचा लेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इन्हें फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छे ठंडे हो जाएं। ये अब ठंडे हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये कितने थिक हैं। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बोल लिया है और इसमें मैं इन फ्रूट मलाई को डाल दूँगी, और फिर इनकी गार्निशिंग के लिए हमने जिन फ्रूट्स को बचाया था उन्हें मैं इनके ऊपर डाल दूँगी। और लास्ट में मैं इनके ऊपर ये थोड़े से टूटी फ्रूटी ले रही हूँ, इनको भी मैं इनके ऊपर डाल दूँगी। और लीजिए, हमारे फ्रूट मलाई अब तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ दो बातों का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इन्हें सर्व करना हो तभी आप मलाई में फ्रूट्स को मिक्स कीजिए, नहीं तो फ्रूट्स जो हैं वो पानी छोड़ देंगे। और आप इन्हें जब भी सर्व कीजिए तो बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो इस समर सीज़न में आप इन रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब बात करते हैं टिप्स की। दोस्तों, अगर आप नींबू को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके नींबू जो है वो जो के त्यों ऐसे ही बने रहें, तो इसके लिए आपको करना होगा कि आप इन नींबू को स्टोर करने के पहले एक एयरटाइट कंटेनर में रख कर फिर फ्रिज में रख दें। आपके ऐसा करने से आपके नींबू जो है वो लंबे समय के लिए ज्यों के त्यों बने रहेंगे। आप इस टिप्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।